जी फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आई जी फैमिली, आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है शबे बारात के हवाले से। सो मोस्टली जो है सभी के घर में जो है शबे बारात वाले दिन बनता है हलवा। हमारे घर पे भी जो है हलवा बनने लगा है एंड मैं उसकी जो है रेसिपी आप लोगों के साथ जो है ओवरऑल शेयर करूँगी कि जो है मेरी खाला आज कैसे जो है हलवा पूरा बनाती है। तो ये ब्लॉग जो है शबे बारात के जो है आने के बाद ही अपलोड होगा, वरना आप लोग नॉर्मल डेज में भी जो है ये जो है हमारे जो हलवे की पूरी रेसिपी आप लोग अपने घर में लाजमी जो है ट्राई करिएगा। आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगेगा। ये जो है हम बनाएंगे हलवा, उसके बाद जो है शबे बारात की जो जो इबादतें होती हैं फिर हम वो भी करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे ब्लॉग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो है मैं चलती हूँ, फिर आप जब पूरा हलवा बन जाएगा देन उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम बना रहे हैं सूजी और बेसन का हलवा। अभी हमने तेल गरम किया था, तेल गरम करके इलायची डाल दी। अब हम जो है सूजी और बेसन को भून रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है और आगे। खाला जान की अपनी तरकीब, दूध भून रहा है। अच्छा अच्छा, भूनने में ही टाइम लगता है। हमने इसके अंदर जो चाशनी बनाई थी वो हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, और हमने इसमें जर्दे का रंग भी डाला है। जो है हमारा रेडी हो गया है एंड इसका फाइनल लुक जो है कुछ ऐसा आया है, देखने में जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी जो लग रहा है। अगर किसी ने बादाम, पिस्ता, खोपरा अगर इसके ऊपर गार्निश करना है तो वो लोग भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है ऐसी हलवा अच्छा लगता है तो इसलिए हमने जो इसके ऊपर गार्निशिंग नहीं की है। का जो है सारा काम हो गया है, जिस जिसके जो है घर पे देना था वो भी सब हो गया है। तो अब जो है मैं चली हूँ इबादत करने के लिए शबे बारात की जो है। सो आप लोग भी जो है दुआ में हमें लाजमी याद रखिएगा, वैसे भी याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूंगी। सो अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।